गुड मॉर्निंग हरियाणा, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। हरियाणा में सरकारी भर्तियों में होने वाले गड़बड़ झाले की परत दर परत खुलती नजर आ रही है। सेम फ्लाइंग स्क्वाड के एचएसएससी मुख्यालय पर छापेमारी के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद अब कई अहम खुलासे हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सरकारी भर्ती के नाम पर होने वाले बड़े खपले का खुलासा हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखाया था, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर कैसे महकमे में भर्तियां होती थी ये बताया गया। लेकिन आज हम आपको सरकारी भर्ती में होने वाले खपले का हर राज दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कॉन्फिडेंशियल डाटा रूम, 12 से ज्यादा मोबाइल नंबर और पार्किंग से लेकर बिल्डिंग अधिकारियों के घरों तक चलने वाला नेक्सस, ये वो है जो बिना पेपर दिए अटेंडेंस शीट को बदल दे, या फिर यूं कह लीजिए कि रिजल्ट ही बदल दे। और इसी नेक्सस को लेकर चल रही पड़ताल में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के सामने कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल एक रिपोर्ट से ये सामने आया है कि हरियाणा में अगर एक ड्राइवर की भर्ती होती है तो 2 से 3.5 लाख रुपए, क्लर्क की भर्ती के लिए 10 लाख रुपए लेने का खेल चल रहा था, और ये सब खुलासा एक रिपोर्ट के जरिए हुआ। हालांकि इस मामले में अभी कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं, लिहाजा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 8 लोगों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं बड़ी बात यह है कि पिछले 1.5 साल से यहां किसी भी विभाग में किसी भी पद के लिए रेट तय किए जाते थे, जिसमें क्लर्क, ड्राइवर, कंडक्टर, नर्स, ऑपरेटर समेत कई भर्तियों में लोगों को भर्ती कराने के लिए 2 से 10 लाख रुपए तक का सौदा होता था। जांच टीम अब पकड़े गए कर्मचारियों के बैंक खाते और प्रॉपर्टी की भी जांच कर रही है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के तत्वाधान में करीबन 6 टीमों ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है उसमें हमारे पास कुछ सीक्रेट सोर्सेस की इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ जो सीक्रेट ब्रांच के जो इसके कर्मचारी हैं वो जो प्रोबेबल कैंडिडेट हैं उनके साथ टाई अप करके कुछ जॉब्स को लेके उनके साथ एलोरमेंट करके उनसे साथ कुछ मनी एक्सट्रूट करने का एक रैकेट चला रहे हैं जी। तो उसके तहत हमने 5-6 टीमें बना के और हमने 8 व्यक्तियों को राउंड अप किया है। बड़ा ही लेबोरियस डाटा है, हार्ड डिस्क भी हैं, सीपीयू हैं हमारे पास, लैपटॉप भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, फाइल्स भी हैं। तो अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग के उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ था कुछ। दरअसल इस केस की जाँच क्राइम ब्रांच पंचकुला को दी गई, जिसमें 3 टीमों को लगाया गया है। अभी तक टीम ने 3 लोगों के घरों पर रेड की, जिसमें कई लाख रुपए कैश, 2 लैपटॉप, 1 डायरी और कुछ बिल मिले हैं। इसके अलावा पुलिस के पास वो साधन ही नहीं मिल रहा है जिसमें इतनी हैवी हार्ड डिस्क के डाटा को डाला जा सके। मामले में 22 से ज्यादा हार्ड डिस्क हैं, जिसमें पिछले 1.5 साल की भर्तियों का डाटा है। भर्ती में गड़बड़ झाला, ड्राइवर भर्ती 3.5 लाख से 4 लाख, क्लर्क भर्ती 4 लाख से 5 लाख, क्लर्क भर्ती जनरल कैटेगरी 10 लाख, टाइपिंग टेस्ट 7 लाख रुपए, कंडक्टर भर्ती 3 लाख रुपए। तो ये वो सरकारी नौकरी पाने का पूरा मेन्यू कार्ड है, जिसमें अपनी पसंद के हिसाब से बस आप पैसे दीजिए और नौकरी आपकी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है, साथ ही मामले में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए पंचकुला से उमंग श्योरान की रिपोर्ट।